मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। चौंकिए नहीं, आप जो तस्वीर देख रहे हैं आपको लग रहा होगा कि यह एक पुलिस छावनी है, लेकिन यह कोई पुलिस छावनी नहीं। ये वो मंच है जहां पूरे भारतवर्ष के बड़े बड़े विद्वान, साहित्यकारों, कवियों और कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति देकर शहरवासियों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। आज वो मंच बदहाली की दास्तां बयां कर रहा है। जिस मंच पर शहर के रंगकर्मी के नाटक, नृत्य के घुंघरू और तबला सितार की धुन सुनाई देती थी, वह कई वर्षों से पुलिस कर्मियों का आशियाना बन गया है। जिस मंच पर बड़े बड़े नामी ग्रामी कलाकार अपनी प्रस्तुति देकर शहरवासियों को मंत्रमुग्ध करते थे, आज वहां घुंघरू, तबले और सितार की आवाज नहीं, पुलिस के जूतों के टाप की आवाज सुनाई देती है। अब प्रशासन को बहुत बार मतलब कि नोटिस दिया जा चुका है कि वो जल्द से जल्द यहाँ हटाएं। उनका भी कहना है कि हमारा जो परिसर है, नया परिसर, थाना परिसर, वो बन के तैयार हो गया है और वो अभी इसी 26 जनवरी को जाने वाले थे, बट वो पूरा मतलब कि पता नहीं किसी कारणों से वो गए नहीं हैं और अभी तक यहीं पे हैं। दरअसल कला केंद्र दो गुटों में आपसी मतभेद का जीता जागता नमूना भी बनकर रह गया है। आज एक ही संस्था के हाथ में कला केंद्र के संचालन की बागडोर है। पुराने प्राचार्य की जगह पर उसी संस्था के व्यक्ति को प्राचार्य का प्रभार सौंपा जा चुका है। उसी संस्था से संबंधित विभिन्न लोगों को कला केंद्र के विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जा चुका है। ना भी हम लोग रंगकर्मी हैं भागलपुर के, अभी कहीं पर भी किसी के लिए कोई भी जगह नहीं है कि हम वहाँ पे नाटक कर सकें या रिहर्सल कर सकें। और जैसे कि जानते हैं, हर साल एनएसडी की परीक्षा आता है, एनएसडी का, तो उसमें अगर हम लोग का प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो कैसे हम लोग आगे जाएंगे। और हम लोग का क्या है कि अभी नाटक वगैरह हो नहीं रहा है, कोविड भी है। और जो सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पर कला केंद्र, जहाँ पर कि संगीत, नाट्य और भी बहुत सारा कला होता है, तो यहाँ पर अभी पुलिस लोग का जो आवास दिया गया है तो उनसे थोड़ा बाधित हुआ है यहाँ का कला। जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, नंदलाल बोस और बुद्ध जैसे सुप्रसिद्ध विद्वानों के स्टेचू बने हुए हैं, वहाँ सैकड़ों मोटरसाइकिल और चार चक्का वाहनों का जमावड़ा लगा हुआ है। आदमपुर थाना लगभग बनकर तैयार है। 26 जनवरी को आदमपुर थाना को नए भवन में चले जाना था, परंतु अभी तक वहां के सिपाही कला केंद्र के ही मंच पर अपना आशियाना जमाए हुए हैं। कई तरह की पढ़ाई होती है, आप जानते हैं, और नाट्य विधा की यहां पढ़ाई होती है। अभी हाल में नाट्य विधा की भी पढ़ाई शुरू हुई है। स्वाभाविक है कि कला केंद्र के में जो मंच है वो बहुत उपयोगी है और इस मंच का जल्दी से जल्दी प्रशासन को खाली करना चाहिए। भागलपुर के रंगकर्मी, नृत्यकार, शिल्पकार बाट जोहे हुए हैं कि जल्द से जल्द कला केंद्र का मंच पुलिस के चंगुल से छूटे और हम लोग अपने कला का प्रदर्शन करें। इस मंच पर कई महोत्सव, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ करता था, परंतु कई वर्षों से इस मंच पर कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो पा रहा है। तब से तो यहाँ का मतलब सारा गतिविधियाँ ही बंद हो गया है। स्टेज पर बहुत तरह से नाटक और कार्यक्रम होते रहता था, वो सब बंद हो गया है। फिर खाली था तो हम लोग वहाँ मॉडल वगैरह का काम करते थे, सारा बंद हो गया है, क्लास वगैरह सब बंद हो गया है। यही तो उनका ये है। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि ये लोग खाली करें तो हम लोग का काम बढ़े, और क्या, हम लोग जाके वहाँ काम करें। हाल में कुछ पत्रकारों ने जब पूछा था तो उन्होंने बताया था कि 1.5 से 2 महीने में हम लोग चले जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं खाली हुआ है। जल्दी से जल्दी इसको खाली होना चाहिए, क्योंकि जब थाना परिसर बन के तैयार है तो अब क्या दिक्कत है, क्यों नहीं खाली हो रहा है, ये एक सवाल है। और यहाँ के जो छात्र हैं, यहाँ के जो कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहुत परेशान है इस कारण से कि जल्दी से खाली हो।